जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो आज हम आपके लिए एक और नई रिलेशन भर्ती लाए हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और भर्ती लेकर आए हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक इस भर्ती की सूचना पहुँच सके। तो दोस्तों चलो आज हम आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों जो ये भर्ती है यह एक रिलेशन भर्ती है जो महार रेजिमेंट सेंटर सागर में निकली हुई है। हाँ जी दोस्तों, यह एक रिलेशन भर्ती है और यह भर्ती जो है वो 8 जून से शुरू होने जा रही है। हाँ जी दोस्तों, यह भर्ती 8 जून से शुरू हो जाएगी और इस भर्ती में वही कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं जिनके पिता युद्ध में शहीद हुए हैं या जिनके पिता फौज में सर्विस कर रहे हैं या जिनके भाई फौज में सर्विस कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं और सपोर्ट्स मैन भी इसमें भर्ती देख सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर्सन ऑफ वार विंडो एक्स सर्विसमैन सर्विस रियल ब्रदर ऑफ सर्विस एक्स सर्विसमैन एंड सपोर्ट्समैन कैटेगरी कैंडिडेट्स के जो यहाँ पर है वे इस भर्ती को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स को इसकी सूचना पहुंच सके। तो आप दोस्तों यहां पर देख रहे हैं जो यह भर्ती है वो 8 जून 2020 से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जो इसका रिटन टेस्ट है वो दोस्तों 26 जुलाई को होने वाला है। जो इसका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वो 26 जुलाई 2020 को यह टेस्ट होगा जो कि आपका एक रिटन टेस्ट है। तो दोस्तों आपको 8 जून को 5 बजे वहाँ पर उपस्थित हो जाना है और आपकी वहाँ पर पहले सबसे पहले दौड़ कराई जाएगी और फिर आपका है जो मेडिकल लिया जाएगा और उसके बाद 26 जुलाई को है जो आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी इस भर्ती को ज़रूर देखें और जिस भी कैंडिडेट्स का महार रेजिमेंट सेंटर में रिलेशन है जिसका भी वह सेंटर है वो इस भर्ती को देख सकता है। हाँ जी दोस्तों, और वहाँ पर आपको जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जैसे अपना रिलेशन कार्ड और आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं वो आपको ज़रूर लेकर जाने हैं। आप इस की जो भर्ती सूचना वो अधिक आप वहाँ से मंगवा सकते हैं महार रेजिमेंट सेंटर से, जिसका ही भाई पिता फौज में लगा हुआ है उसको वो सभी सूचना वो प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जो भर्ती होने वाली है वो जीडी की तो है ही ज़रूर और इसके साथ कलर्क और ट्रेडमैन की भी हो सकती है। दोस्तों जो इसमें भर्ती वो जीडी की तो होगी ही, परंतु इसमें जो कलर्क की भर्ती है वो भी साथ होने वाली है और ट्रेड्समैन का भी कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों आप वहाँ से सेंटर से कन्फर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस भर्ती की अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि आपको कोई बाद में परेशानी न हो और आप साथ ही साथ इसके जो रिटन टेस्ट किया है उसकी भी तैयारी कर दें। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो इसका रेस का टाइम है वो बहुत अधिक मिलने वाला है और दोस्तों जो इसका जो रेस टाइम होता है वो 5:30 मिनट होती है। तो दोस्तों वो फर्स्ट ग्रुप में होती है और 5:45 मिनट जो होती है वो सेकंड ग्रुप तक होती है। दोस्तों 5:30 मिनट से यदि आप पहले रेस करते हो तो आप फर्स्ट ग्रुप में आते हो और 5:45 में यदि आप रेस करते हो तो आप सेकेंड ग्रुप में आते हो। दोस्तों जो रिलेशन की भर्ती होती है उसमें 5:45 तक का टाइम आपको दिया जाता है और 2 सेंटीमीटर जो हाइट में छूट आपको मिलती है और 2 किलोग्राम आपका जो वेट में आपको छूट मिलती है। जैसे ही खुली भर्ती है वो आपको पता है आपको 50 kg जो है वेट होना ज़रूरी है, परंतु यहाँ पर आपको 48 किलोग्राम में आपका काम चल जाएगा और 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर छूट मिलती है हाइट में। जैसे कि आपको पता है खुली भर्ती में 170 सेंटीमीटर जो हाइट मांगी जाती है और यहाँ पर 168 सेंटीमीटर में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है फिजिकल में। तो दोस्तों आप अपनी इस भर्ती की तैयारी बहुत लगन से करें ताकि आपका जो सपना भारतीय सेना में जाने का वो पूरा हो सके।
तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले थे, आप इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स जिसका सपना भारतीय सेना में जाने का उन तक यह सूचना पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे और ऐसी वीडियो आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नई वीडियो जो रिलेशन भर्ती की वीडियो है वो इस चैनल पर डालें तो सबसे पहले जो उसका नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाए। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ